रविवार तारीख 1964 ना दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी नो श्री गायण स्वामी रचित श्रावकाचार्य नी गाथा 221 223 224 અને 236 ઉપર સદગણમાં આપણું વચન. નમો નોય સૌરિયંતાણમ નમો નોય સૌસિદાનમ નમો નોય સૌઆયરિયાન નમો નોય સૌજાયાનમ નમો નોય સૌત્રિકાવર્તિ શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદં મોક્ષદં ચૈ ઓમકારાય નમો નમઃ. மங்கனம் பகவானையோ மங்கனம் கூட்டமோ மங்களம் குன்கொண்டாரி உஜேந்திர முழு மங்களம் நமாசுமரிசாராய் சுவானுபூத்தியா ஜகாஸ்தி ஜி சுவாய் பவாய சர்வாவ चार तारण स्वामी रची उसका 200 नीतु सिदाता है 220 हो गई थी 221 जो श्रावक का आचरण जैसा होता है उसको श्रावक कहने में आता है. तो प्रथम तो सम्यकत्वम यिंतती वारम वाय इन सार्थयम दूषण प्रसन्न पसंती इंद मातंग झूठयम. क्या कहते हैं देखो, जो कोई संयम दर्शन को यथार्थ रूप से सार्थम थे ना यथार्थ रूप से यथार्थ उपकार क्या नव तत्व जैसा है ऐसा यथार्थ ज्ञान करके भिन्न भिन्न नव तत्व का कार्य है. जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंधने मोक्ष में जो द्रव है तात्पर्य है उसका नव का भिन्न भिन्न कार्य है भिन्न भिन्न मार्ग है. ऐसा वारंवार निर्णय करके यथार्थपणे पीछे वारंवार आत्मा का अनुभव करना चिंतती न अर्थ अनुभव है. चिंतती अर्थ है न उसका अर्थ अनुभव है. सम्यकत्व यह चिंतती सम्यक दर्शन आत्मा परिपूर्ण शुद्ध उन पाप का विकल्प से देहादि से कर्म से भिन्न ऐसा संकित को यक्ष जो कोई चिंतती नाम अनुभव करता है अंदर में वारंवार इन सार्थियम वारंवार अनुभव में लगते हैं अंतर्मुख राग ने पुण्य पाप का भाव उससे भिन्न अपना आत्मा को अंतर में वारंवार यथार्थपने लगते हैं. यथार्थ क्यों कहा, अनादि से अज्ञानी कल्पना से अपने माने कैसा नव तत्व ने ऐसा ऐसा है विकल्प ने कल्पना से आत्मा में एकाग्र हो पूरी यथार्थ एकाग्रता नहीं. समझ में आया, वारंवार नाम वारंवार अनुभव करते हैं चिंतनों से तस दूषम न पसंती दूषम प्रसन्न पसंती उसको दोष नहीं आते हैं उसको दोष अंतर आते हैं. स्वभाव की दृष्टि में दोष का आदर होता नहीं. आया थी भगवान आत्मा बसे त्रिमाती जी कहते एक समय में नव तत्व में ज्ञायक तत्व उन परिणाम दया दान भक्ति व्रत विकल्प का है पुण्य तत्व है हिंसा दूर चोरी विषय भोग वासना पाप तत्व है दूर मिलकर आश्रम तत्व है. पितार विनायक आनंद शुद्ध स्वभाव राग में जितना रूप में इतना भावबन तत्व है शरीर कर्म आदि अजीव तत्व है और त्रिकाली विनायक स्वभाव उसकी दृष्टि करने से शुद्धि की उत्पत्ति होती है वो संवर तत्व है. विशेष एकाग्रता होने से शुद्धि की वृद्धि होती है वो निर्जरा तत्व है और पूर्ण शुद्धि की प्राप्ति होती है उसका नाम मोक्ष तत्व है. समझ में आया, ऐसी बात जैन दर्शन अथवा आत्म दर्शन बिना तरण काल में दूसरे स्थान में ऐसा होता वो कारण सार्थयम यथार्थ रूप में नव तत्व का भान कर
आत्मा का बारंबार अनुभव करते हैं दूसम प्रश्न प्रसन्ति जहाँ दोष आते हैं नहीं अल्प दोष होते हैं वो अपने में मिलाते नहीं संग्र की आदि दुख सहकार आदि होता है पर अपना स्वभाव में मिलाते नहीं आया भांचना बहुत ज्यादा ही है सर्वज्ञ परमात्मा देवाधि देव तीर्थंकरों गणधरों संतों ये अनादि प्रवास से मार्ग चलाया है उपमाने में से एक कण फेरफार बदाम मात्र हो जाए सारा तत्व में विरोध हो जाए समझ में आया वो कारण यथार्थियम बराबर यथार्थपने बारम्बार संगत दर्शन की चीज को अनुभव में करते हैं उसको दोष न पसंद उसको दोष आता कहते हैं मातंग दूषयम हस्ती के झुंड सिंह को नहीं देखते हैं समझ में आया जहाँ सिंह है क्या हाथी रहते हैं गर्जना जहाँ सिंह की सुने हाथी का थोड़ा चला है ना सिंह मातंग दूषयम मातंग नाम हाथी का झूठ हो एक सिंह की तरह पड़ेगी यहाँ चल बड़ा ऐसे भगवान आत्मा अपना संगत दर्शन का संकार रणकार अंदर में बुला करते हैं अनुभव में दोष चला जाता है दोष रहते दोष पलायमान हो जाता है थोड़ा दोष रहते हैं उसका भेद रहते हैं उसका नाम पलायन कहने में समझ में आया दृष्टान दिया है ना उनको नहीं देखते नहीं देखते का अर्थ हाथी क्या उबाय नहीं रहते जहाँ सिंह है क्या हाथी ऐसे अपना स्वरूप एक समय में विकल्प आदि हो राग आदि हो शरीर आदि हो है सब अच्छी उससे निराला अपना स्वरूप का अनुभव दृष्टि करने वाला अपने में सिंकनी पैठे प्रभाव की एकाग्रता की पुकार रण पुकार दोष आते हैं दूसम प्रश्न प्रसन्न समझ में आया उसको दोष अंतर में होता नहीं उसको संयम दृष्टि कहते हैं अविरत संयम दृष्टि का सावकाचार समझ में आया अभी आया नहीं जाता कई चीजें नहीं किया बच्चे चौपन बच्चे चौपन भाई कहीं नहीं हमारा देखो आचरण दीर्घम प्रोक्तम इनका तो संबंध है सावकाचार है ना तो आचरण द्विविधम प्रोक्तम लेना त्रिविधम प्रोक्तम नाम लेना भगवान परमात्मा ने आचरण दो प्रकार का प्रोक्तम प्रविशेषता है एक संयकत्वम एक संयमम एक प्रथमम संयक चरण अतिभूत संयमम चारित्रम संयम चरणम सुतत्व निरीक्षणम आचरणम अवंजम दृष्टम सार्धम सुदृष्टम देखो आचरण दो प्रकार का कहा गया है आचरण का दो प्रकार है एक संयकत्व आचरण समझ में आया संयकत्व आचरण का अर्थ अपना शुद्ध चैतन राग ने पर से रही एकाकार का दर्शन में होना उस संयकत्व आचरण नाम का प्रथम आचरण कहने में कोई कहे आचरण भाई क्रिया करे आचरण आ आचरण ये आचरण नहीं बराबर समझ में आया पहला संयकत्व आचरण है संयक दर्शन में पहला संयक आचरण है समझी दूसरा नित्य संयम आचरण दूसरा संयक दर्शन किसे स्वरूप में विशेष लीनता चारित्र की अनाचरण जो रागादि को छोड़कर स्वरूप में स्थिरता उग्रपणे करना उस संयम रूपी दूसरा आचरण है पर जिसको संयम दर्शन आचरण होता है उसको संयम आचरण होता संयम दर्शन आचरण नहीं क्या
संयम आचरण बिल्कुल होता वो माइकी यहाँ दो शब्द में पहले संयत आचरण करने में प्रथम स्थिरीभूत संगत चरण संयम प्रथम जो संगत आचरण है वे श्रद्धा में स्थिर होकर के भी चारित्र पेशा चंचल रूप है देखो यानी अतिरिभूत संगत संचारित आचरण में संग वो अपने अस्पाउन में आते हैं जो आचरण वो शब्द है आते हैं समझे शिलपावन में आता है शिलपावन है चारित्र पावन में आते संगत चरणम भगवान आत्मा मूल आता है यही मूल अतिरिभूतम संगत चरणम संयमम संगत का आचरण होता है मां श्रद्धा में फिर संगत दर्शन में निशांत स्वरूप की प्रतीति का अनुभव उसमें बिल्कुल दोष है नहीं पर चारित्र अपेक्षा चंचल रूप है अतिरिभूत संयमम अतिरिभूत संगत दर्शन में हम लेना उसमें से शब्द लेना निकाल संगत दर्शन में श्रीभूत है और संयम अपेक्षा अतिरिभूत है चारित्र का दोष है उसमें संगत आचरण में संयम आचरण नहीं होता आते हैं हम समझाई वहां तो सीधी बात का सादा मा सादी चले कि आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप उन पाप आश्रव बंधन निमित्त ने अजीब से हटकर अपना पूर्णानंद स्वरूप की प्रतीति का अनुभव करे वो संयत आचरण कहने में आता है ये संयत आचरण संकीर्तिता संयत आचरण चौथा गुणस्थान में ये आचरण में स्वभाव की श्रद्धा स्थिर है श्रद्धा में अस्थिरता है नहीं पर संयम की अस्थिरता चंचलता संगत चरण में होती है बराबर समझाई से कहीं नहीं वलंदर नहीं है नवीन जातु कहीं नहीं है वो तो आपने सब आ गया है चार समय जातु गरीब खेत ने पड़े ने उतारना है ना उसमें से दूर देते हैं अब यहाँ तो आ गया है शास्त्र में बहुत 3000 तो उतर गए हैं क्या कराया रेकॉर्डिंग 3000 तो रेकॉर्डिंग उतर गई सारा समय सार 4-5 रेकॉर्डिंग उतर गई सारा समय का 4-5 रेकॉर्डिंग उतरे सब उतरे हैं तो बहुत 30 वर्ष से चलते हैं समझ आया तो कारण स्वामी साक्षी ना शास्त्र में क्या है वो बताना है आया हम तारण समाज है तारण समाज पर क्या तारण समाज कहते हैं तारण समाज खबर है खबर बिना समाज कहाँ से आया लग्न जी अच्छा समझ में आया भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ जनेन्द्र परमेश्वर उसका मार्ग में जो कहा वो अपनी भाषा में तारण स्वामी ने चालती भाषा में लिखाया है सादी साधारण भाषा में समझ में आया तो प्रथम अतिरभूत संकट चरणम संयमम प्रथम जो समुचित निशांत अपना अनुभव में मैं पूर्ण आनंद हूँ मेरी पर्याय में विकार है मेरा स्वभाव नहीं धर्म आदि का संयोग व्यवहार है परमार्थ है मेरे संबंध है ऐसा संयम दर्शन का आचरण में सिद्धांत में स्थिर होकर के भी चारित्र चंचल है उस चंचलपने को मिट कर स्थिर होना तो संयम है लो ये पंचम ने चर्चा गुणस्थान की बात है संयम अंशे संयम आचरण पंचम है विशेष संयम आचरण छठे में इस संयम का अर्थ आत्मा जैसा शुद्ध परमानंद विनायक अपना भान अनुभव में आया था उसमें लीन खीर एकाकार हो जाना इसका नाम संयम आचरण कहने में आया उसमें संयम की चपलता जो पहले संगत दर्शन में थी कि संयम में अस्थिरता चपलता रहती नहीं समझ में आया
संयम चरणचारित, ऐसे संयम भाव में क्रिया करना। दूसरा संयम आचरण सम्यकचारित है, जहाँ शुद्ध तत्व निरीक्षण शुद्ध आत्मिक तत्व का अनुभव होता है, वह आचरण सफल दिखा जाता है। क्या कहते हैं कि चौथे गुण स्थान पांचवें सत्य, जहाँ जहाँ निर्मल सम्यक दर्शन में संयम का अंतर निर्विकल्प अनुभव है, वो यथार्थ आचरण सफल दिखने में साथ में विकल्प पंचमावर्त का मुनि को हो, पंचम गुणस्थान में बार वर्त का विकल्प हो, चौथे गुणस्थान में भक्ति दया दान आदि का विकल्प हो, ये व्यवहार आचरण है। ये परमार्थ आचरण उस स्वभाव का स्थिर होना और परमार्थ आचरण की सफलता है। समझ में आया? निश्चय की बात है ना, मुख्य निश्चय की बात, उसकी मत है तत्व निरीक्षण अनुभव होता है, आचरण सफल देखा जाता है, वही यथार्थ शुद्धात्मा का दर्शन है। सुनो शुद्ध दर्शितम उन्होंने आया, हाँ तो अहिंसम की आचरण आया ना 221 में, समझे कि संकित कहा ने संकित के साथ में आचरण ऐसा लेना, अपना संकित शुद्ध चैतन सर्वज्ञ परमात्मा का शासन में कहा ऐसा ऐसा स्वभाव की अंतर्दृष्टि करके एकाग्रता होना, सम्यक दर्शन में अस्थिरता न होना, वो सम्यक दर्शन का आचरण है। निशंक निकंक आदि आठाचार है कि नहीं? संकीत का आठाचार है निश्चय निश्चय। व्यवहार तो देवगुरु शास्त्र में शब्द शंका न करना, वो व्यवहार विकल्प है, निश्चय की बात है। स्वरूप में निशंक पूर्णानंद प्रभु, मेरा स्वरूप परमात्मा ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव में दिखना, निकांत उनकी भी इच्छा का विकल्प नहीं। समझे? अन्य देव कुल को देव कुगुरु शास्त्र से इच्छा नहीं, पर उनका विकल्प की इच्छा नहीं, निकांत निश्चय चारित्र है और निश्चय आचार है संकित का। निसंग निकंग निवृत्ति दीक्षा, संदेह नहीं कि मैं इतना इतना पुरस्कार करता हूँ, क्योंकि उल्लंघन नहीं होता है। समझ में आया? अपनी पुरस्कार की कमी है उसमें संदेह होता नहीं। अमुंड दृष्टि मुंड नहीं, बराबर आप परिपूर्ण स्वभाव कहते हैं नहीं, ऐसा है पर्याय में परिपूर्ण श्रद्धा में बांटते हैं पर प्रगट नहीं होता। समझ में आया? मुंजाते नहीं मुंड नहीं होता, मेरा पुरस्कार की कमी जितनी है इतनी पर्याय में पूर्णता भी नहीं, मुझे नहीं होता है, मुझे नहीं कोई पूर्ण परमात्मा में है, ऐसा अनुभव की दृष्टि में देखना नहीं, उसमें मुंजन नहीं करना। क्या कहते हैं? घबराना नहीं, वो तुम्हारी भाषा बराबर हमारे हिंदी नहीं अच्छी है, हमारे तो मुंजाना नहीं, मुझे नहीं मुंजा, ऐसी साक्षात भाषा है भाई। समझे? घबराना नहीं होना। अच्छा ध्यान करते करते ध्यान पक्की हो जाता है, अरे रे क्या अपने आत्मा का शुद्धता नहीं प्रकट होगी, पूर्ण नहीं होगा, ऐसा उसमें संदेह मुंडता आती, वो अपना गुण की वृद्धि करते अंदर में, शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करते अनुभव करते हैं, शुद्ध की वृद्धि करते वो है स्थिरीकरण, अपना स्वरूप में स्थिर होना अस्थिर न होना, वत्सल अपना आनंद गुण प्रति वात्सल्य प्रेम, जैन गाय का बच्चा ऊपर गाय को प्रेम है, गाय कहते हैं वात्सला ऊपर बच्चा ऊपर, ऐसे अपना आनंद गुण ऊपर प्रेम है, राग ने विकल्प प्रेम नहीं, वात्सल्य प्रभावना प्रभावना, अपना आनंद गुण जो दृष्टि में ज्ञान में लिया उसकी प्र विशेष है भावना, एकाग्र होकर शुद्धि की वृद्धि करना, उसका नाम निश्चय निशंक से मानकर प्रभावना आठ संकीत का आचरण कहने में आता है। समझ में आया? विष्णु याद करूंगा मां को, बस एक ही हो गया, बस है श्री यस हृदय सम्यकत्वम उदयम शाश्वतम स्थिरम तस्गुण शेषनाथस्य
आसक्तम जिसके अंतरंग में अविनाशी शाश्वत फिर संकित के लिए आए नही अर्थ में सुखा चिंता समझ में आया। भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध की ऐसी प्रतीति अनुभव में आ जाए कि शायद दशा जैसी समझ में आया। भले सूक्ष्म संकित हो तो पर वो शायद लेकर छुटे, शायद हो तब सूक्ष्म का नाश हो, ऐसा संकित शुद्ध शाश्वत उदयम अविनाशी निश्चल शायद से सुखाई है बस शेष गुण मात्र कैसा है संकृति। इस शेष गुण आनंद गुण के स्वामी है संकृति, अनंता अपना आनंद गुण का स्वामी धनी है। ये राज का धनी नहीं, लक्ष्मी का मालिक नहीं, स्त्री का मालिक नहीं, देश राज का मालिक नहीं, समझ में आया। आनंद गुण कहा था ना शेष नहीं, आनंद गुण का था एक दिन कितना गुण कहा था कहने पंडित जी सुना है कि नहीं, ये द्रव्य में कितना गुण कहा था ना, अभी नहीं था नहीं था ओ हाँ नहीं था ओ जितना अभी तक सिद्ध हुआ है ना सिद्ध, छह मास में आठ समय में सबसे आठ से आठ मुक्ति जाते हैं, छ मास में आठ समय में सबसे आठ केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति जाते हैं। ये मुक्ति की संख्या अनंत है, अनंत पुद्गल परावर्तन से अनादि से मुक्ति चल रहे, मुक्ति नहीं थी कभी, पहले संसार था सिद्ध पद नहीं था, ऐसा है नहीं। आठ पाठ वर्ष में आई अज्ञानी लोगों को प्रमाण कि आठ वर्ष संसार मोटा है पीछे मुक्ति नहीं है। अरे अकल का हाँ अकल ना खाए इसे खाई जाना समझ में आया। एम के पहले आठ वर्ष था पीछे मुक्ति हुई, ऐसा संसार अनादि में है ही नहीं, अनादि अनंत सिद्ध है, अनादि संसार है, पहले संसार में पीछे सिद्ध मुक्ति ऐसा अनादि में है, समझ में आया डॉक्टर जी। क्या नवी बात है, नवी कुछ नहीं है, तो अनंत घनी बात आ गई। एक जीव की अपेक्षा मुक्ति की शादी आदि होती है, अनादि अपेक्षा तो अनादि आदि बिना अनंत सिद्ध है, पहले सिद्ध कभी इसलिए नहीं था और सब संसारी था तो नव तत्व कहाँ रहा अनादि से है, न रहे कहाँ से न रहे, वस्तु अनादि है नव तत्व अनादि है और रहे ये तो वकील वकीला कराते हैं समझ में आया। आई प्रभु आ तो मार्ग अंतर का है, उसमें गड़बड़ ये थोड़ी भी चले नहीं, मैं थोड़ी भी तो आंख में जैसा कणा आता है ना, कणा हुआ निकले तारे के स्वयं आंख में नहीं तो चैतन की आंख आगे हो क्या लोचन में ऐसा किया है आएगा है क्या कृष्णता ने ठीक होने पर आंख क्या है संकीति का ज्ञान आंख है ज्ञान चैतन आंख है, उसमें एक कण भी विकृत हो सके नहीं, तो अनादि से सिद्ध अनंत है, पहले सिद्ध कभी नहीं था अने सिद्ध हुआ, नव तत्व अनादि का रहते नहीं। पंडित जी अभ्यास नहीं, वस्तु का व्यवहार शास्त्र का अभ्यास नहीं, उसको आज निश्चय की दृष्टि तो कहां से हो। ओलंबा तो देते हैं बहुत रहे भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ, उसका आज्ञम का अभ्यास नहीं जी। अरे आज्ञम अभ्यास होते छते पर अंतर अनुभव न हो तो संजन दर्शन न हो, आई तो अभी आज्ञम का अभ्यास में बूटा विपरीतता ना पार न मे उसको संगत दर्शन कभी होता समझ में आया। संगत दृष्टि समझते हैं अनादि से अनंत, अनंत पुद्गल परावर्तन हो गया, संख्या कितनी सिद्ध की अनंत, उससे निरोध के एक शरीर में अनंत गुणा जीव है, तो आया नहीं था बताया था।
लील फूट है ना, लील फूट क्या कहता काय काय और नहीं काय पानी में रूनी होती सारी क्या बताता आलू शकरकन अमुआ इतनी पर किलो कट की राय जीतने तो उसमें असंख्य उदारी शरीर है, उदारी शरीर असंख्य असंख्य चौबीस ही ना समय जितना असंख्य चौबीस ही होते है जितना समय इतना तो एक इतना उदारी शरीर इतना में है। एक उदारी शरीर में अभी तक सिद्ध हुआ उसे अनंत गुणा जीव है। समझ में आया मोटू सही अजी क्या उसे क्या अभी आगे अभी पहले पग किया तो बात है ऐसा सिद्ध करता अनंत गुणा जीव की संख्या एक शरीर में अनंत गुणा ऐसा ऐसा असंख्य शरीर ऐसा जीव की संख्या सिद्ध से अनंत गुणी और जीव की संख्या से परमाणु संख्या परमाणु है ना अनंत परमाणु का तो खंड है पिंड है ऐसा सब कार्मन शरीर मन वाणी आय मन एक रक्त नहीं जड़ माटी आठ पांचड़ी के समान है विचार करते हैं निमित है जब आत्मा आत्मा देखते हैं तो आय का सौदा निमित है जड़ आता अनंत रजकरण का पिंड है ऐसा एक मन है वो सब जड़ वाणिया जड़ उसका सब रजकरण आज की दुनिया का सब जीव से अनंत गुणा रजकरण है। समझ में आया सब जीव संसारी करता रजकण की परमाणु अनादि अस्तित्व अनादि अनंत अनुगुणी संख्या है उसके अनंत गुणी संख्या त्रिकाल का समय है। एक सेकंड में असंख्य समय जाए क्या एक सेकंड में असंख्य समय जाए काल का सुख संभाग समय एक सेकंड में आँख ऐसा करता असंख्य समय ऐसा त्रिकाल का समय अनादि अनंत समय वो परमाणु की संख्या करता अनंत गुणा है और टिकाव समय करता आकाश का प्रदेश अनंत गुणा है। है अस्थि कहीं नहीं है अस्थि नहीं ऐसा है इसका टिकाव प्रदेश पर्याय करता आकाश का अनंत गुणा और उससे अनंत गुणा एक जीव ने एक परमाणु का अनंत गुण है। समझ में आया उन्होंने क्या किया उनके में आया कि नहीं बसें फिर चलती है कि नहीं अनंत हम शब्द पढ़ाए कि नहीं चौथा पद क्या है अनंत ही अनंता इतना इतना असहाय इतना असहाय इतना ये कहते हैं कि प्रत्येक गुण नाथस्य अनंत एवं गुण असत्यम अनंत गुण दृष्टि का में आया है ये अनंत गुण का ज्ञानी स्वामी है संगत दृष्टि अनंत अनंत ऐसा गुण ऐसा आत्मा है अनंत गुण का ही द्रव्य उसका संगत दृष्टि स्वामी है। राग का नहीं राज में पड़ा हो पता हो राज का स्वामी नहीं राग का स्वामी नहीं देह का स्वामी नहीं कर्म का स्वामी नहीं धन का स्वामी नहीं मकान का स्वामी नहीं तो मकान कया दृष्टि थे तेरा भाई बोला था तो पत्थर का बना हुआ है बाबा की लगी क्या कहते हैं पत्थर से बना हुआ पत्थर पैसा पैसा से कहीं बना नहीं तो पत्थर से बना है पैसा से बना क्या ना व्यवहार है पैसा भिन्न चीज है पत्थर भिन्न चीज है। समझ में आया पैसा तो उनके अनंत परमाणु है तब दूसरा परमाणु सब दूसरा परमाणु होता है। समझ में आया जैसा यहाँ पहले कहा ना कि जीव करता अनंत गुणा परमाणु है तो अनंत परमाणु कैसे रहेगा अपनी स्वतंत्र सत्ता में कि दूसरा अनंत परमाणु जो है पैसा एक पैसा में अनंत परमाणु है एक नोट में अनंत परमाणु है एक नोट में पैसे से मकान बना है क्या दूसरा परमाणु से दूसरा परमाणु बनते है क्या है तो अनंत गुणा जीव से पुद्गल है रहते नहीं दूसरा पुद्गल से दूसरा पुद्गल बन जाए तो दो एक हो जाए वो तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि अंतरंग में सचिश गुण नाथक गुण का नाथ है उसका अर्थ
अपना अनंत अनंत गुण का पिंड प्रभु उसका स्वामी है। दृष्टि आदि ज्ञान में जितना प्रकट हुआ इतनी पर्याय का रक्षा करते हैं, और जितना पर्याय आदि प्रकट नहीं किया उसको मेरवा का प्रयत्न करते हैं। अनंत गुण तो स्वरूप में है, पर्याय में अवस्था में अल्प गुण उसकी प्रकट हुआ है उतनी तो रक्षा। नाथ का अर्थ योग खेम में करने वाला तो नाथ कहते हैं। समझ में आया? जितनी संयत दर्शन प्रकट हुआ उसमें सर्व गुणों से समझी, सर्व गुण का एक एक अंश प्रकट हुआ है। समझ में आया? प्रकट हुआ उसका रक्षण करते हैं, और नहीं प्रकट हुआ उसका परम प्रयत्न करके प्राप्त करते हैं। उसका नाम अनंत गुण का स्वामी यानी पर्याय का स्वामी संयत दर्शी है। सन्यासी राग गुण व्यवहार का स्वामी समझ में आया? देखो अनंतम गुण आसक्तम, देखो आसक्तम ने और ये किया कि अनंत गुण पाए जाते हैं। दृष्टि में अनंत गुण है और पर्याय में भी अनंत गुण का एक अंश प्राप्त हुआ है। पर्याय समझे, व्यक्त गुण है सत्त शक्ति, तो अनंत गुण की जो शक्ति अनंत गुण है उसमें से अनुभव दृष्टि करके अनंत गुण जितना है उसमें से एक एक अंश सब निर्मलता का सम्यक दर्शन में सर्व गुणों से समझी, जितना उस प्रकट हुआ है बाकी प्रकट करने का प्रयत्न है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। असम्यक आचरण की बात चलती है, बताएं सौ में आ रहे हैं पहले से कहां से आते हैं? दादी जी क्या किया? पहले से व्रत ले लेना, ब्रह्मचर्य ले लेना, दया पालना, संयम ले लेना, बस संयम आया है तो संकित होगा ही अंदर है, है ही नहीं अंदर संयम दर्शन है ही नहीं, क्या थी संयम आया? व्रत ने महाव्रत ने पाली ने मर जाए ने उसमें क्या है? दस सौ महीना का अपवास करे समझ में आया? वो तो बात की है उद्गम तवन का साथ है, भूग तवन न कर समझा पढ़ाया था ना उद्गम तवन नहीं अपन वो आता चलाया था इस श्लोक में उद्गम तवन भयम उग्र तब करे मर जाए बार व्रत करके अपवास करके हमने सामायिक ने पुहा ने उसकी मानी ला मर जाए तो क्या है? सम्यक दर्शन की अंतर अनुभव दृष्टि बिना वो तो सब विकल्प है, पुण्य का परिणाम है और धर्म मानते मिथ्या की पुष्टि अनंत पाप की पुष्टि करते हैं। समझ में आया? दृष्टांत दिखे ने बोला मिंदड़ू काटता ऊंटड़ू कस हूँ तो सुना है तुम्हें? नहीं सुना है? नहीं बिल्ली बिल्ली होते ना बिल्ली 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 नहीं होती है ये लूसी थी लूसी व्रत बाय वो कंजूस थी थोड़ी तो उसका थोड़ी गांव मकान के पास एक वारा था वारा समझे खाली जिज्जो खुली जिज्जो थी तो खुली जिज्जो में एक बिल्ली मर गई बिल्ली मर गई तो हमें वो बाय दी थी तो बिल्ली मर गई क्या करना जो हरिजन को सुनता है भेज कर उसको कहे तो थोड़ा एक पाली दो पाली पाली क्या कहते हैं अनाज का देना पड़ेगा इतना अनाज देना पड़ेगा खानगी खानगी लेकर वो राख निकाल टोकला में टोकला हो रहे ना अपना उसमें राख निकाल टोला में से मैं गई बांधना पड़ा बांधना तो गई क्या वो झापा झापा था ना खाली दरवाजा था खाली झापा खुला रह गया खुला रह गया ना क्या ऊँट फरते थे ऊँट ऊँट समझे ऊँट फिरते थे मरवाली पियरी जैसा हिरन क्या वो भाई नाक खा गई क्या ऊँट पैस गया अंदर अंदर पैसा था मरी गई अंदर ऊँट ऊँट यहाँ नाक खा नहीं है क्या बिल्ली तो नाक ही न पा ऊँट नहीं क्या करना
ये तो उपाधि न खाए नहीं, हरिजन ने बुलाया चार मन खाओ, चार मन खाओ, एक खिला एक पुठला गाँव दे सकनी पानी का दृष्टांत हुआ। अज्ञानी एकला व्रत तम संग इंद्रिय दमन का राग करते करते मेरे गर्म हो जाएगा, ये बिल्ली मरेली है, समझ में आया, उसको उसको जा रक्षा करने जाते हैं क्या मिथ्या का ऊट बैठते हैं अंदर बड़ा, समझ में आया। राग की क्रिया का स्वामी होता है, राग मेरा कार्य है, दया दान व्रत ब्रह्मचर्य का विकल्प कि मेरा कार्य है, तो राग का स्वामी होते जो मिथ्यात का लकड़ा ऊंट पैसा अंदर में मरी जो ऊट लिया, मिथ्या श्रद्धा में तेरा आत्मा जीवता मरण हो गया, समझ में आया। करने दिया कहीं व्रत नहीं मेरा अपन सत्ता बुद्धि प्रभाव का बान है नहीं, राग की क्रिया का सत्ता हुई बिना रहते नहीं, समझ आया, कड़क बात है। कहते हैं पहला सम्यक दर्शन का भान बिना व्रत आदि का आचरण संयम का आचरण कभी तीन काल में होता नहीं, बाहर से दुनिया देखे न दुनिया माने किसी से सच वस्तु ने कोई विरोध आता नहीं, झूठ है तो चौबीस कन्या उदय भुवन लोकालोक विलोकम चाल माले मुखम यथा। इतना सम्यक दर्शन का माचम ने क्या स्वरूप सम्यक जिसने सम्यक दर्शन का अनुभव कर लिया है, दिशंती नॉर्थ अनुभव भगवान आत्मा राग पुण्य पाप का विकल्प होते छते व्रतादि का विकल्प होते छते मेरा शोक उसके भिन्न है, उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा सम्यक दर्शन अनुभव कर लिया है। मोहन त्रयम उदयम तीन लोक का ज्ञान हो गया, भुवन त्रयम उदयम शुद्ध ज्ञान से बाल शुद्ध ज्ञान से तरण लोक में क्या है सब आ गया ज्ञान में, कहाँ कहाँ कैसा द्रवगुण पर यही प्रणत है, स्वतंत्र कैसी चीज है, ये लोक का भान होते होने से भुवन त्रण लोक नो ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है, प्रत्यक्ष नहीं पर शुद्ध ज्ञान के बहुत है, स्वर्ग नरक में क्या परिया है, संकीति कैसा है, मिथ्या दृष्टि कैसा है, काम का ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान में आ जाता है, समझ में आया। उदयम भवन त्रयम या भवन त्रय अंदर में प्रकट होता है, भवन त्रय का ज्ञान प्रकट होता है, बात कैसा है उदयम, समझ में आया। लोकालोक विलोकम उसने लोकालोक की उसकी तरफ देख लिया है, और संगत दृष्टि अपना स्वभाव का भान में ज्ञान ऐसा हुआ है कि जी ज्ञान द्वारा लोक ने लोक को इस तरह देखा है जैसे निर्मल जल के कुंड में मुख दिख जाता है ना, हाल बाली मुखम पानी में जल में जैसा मुख दिखते हैं ऐसा अपना आत्मा में अपना भान होते सम्य ज्ञान ऐसा हुआ, लोकालोक का ज्ञान ख्याल आ गया, समझ में आया, कोई पण उसकी प्रति की बार रहा नहीं, समझ में आया। थोड़ा थोड़ा आपसे ठीक क्या है इसमें थोड़ा थोड़ा क्या 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 भूल कर व्यवहार व्यवहार जावे क्या भूल करी तो सब है बराबर अर्थ तो सब पूरा अर्थ कहता है नहीं, क्या कहते हैं उसमें जो लिखा है ये सब पूरा अर्थ का नहीं है, कोई कोई में गड़बड़ है, यहाँ तो परीक्षा सच की है,
समझ आया तो कई ठिकाने व्यवहार से नीचे होता है, व्यवहार पहले आता नहीं, ऐसा लिख गया है, ऐसा है नहीं, तो स्वामी से भी विरुद्ध पड़ता है, समझ में शास्त्र से भी विरुद्ध पड़ता है, मैं तो सीधा नीचे की बात कहते हैं। शिष्या ने खबर नहीं, पंडित ने परमात्मा जाए परमात्मा ही पंडित आ रही परमात्मा ही भाई, हाँ मोक्ष मार्ग की जीत है, उसके ऊपर गाड़ी पर बैठना और उसका मार्ग चलाना बड़ी प्रॉब्लम है। देखो लाल बाल मुख्य था, समझे लाल बाल पानी ने भाई पानी है कौन कौन ठीक आल बाले निर्मल पानी ना कौन है कुंड में हम देखे मौसम दिखा, ऐसे अपना दर्शन में संग ज्ञान संगत दृष्टि को ही समय ज्ञान होता है, दृष्टि जा मिथ्या कहते हैं ज्ञान अज्ञान में अनुपुर पदे सत्य अज्ञान है पाखंड है मिथ्या है। ठीक आखिर भाई ने मुख लिया ठीक है आया क्या है देखना तो पड़ेगा कि नहीं तुम्हारे सेब पीछे तुम्हारा बदा आ रहा है, लोक अलोक उसका ज्ञान संगत दृष्टि को ज्ञान में शंका बिल्कुल नहीं रहती, सब स्थिति का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, ऐसा लोकालोक ज्ञान संगत ज्ञान में शुद्ध ज्ञान में है, तत्व कैसा है पर्याय कैसे क्या वस्तु है सब आ गया, नए तत्व में कहीं कृपा होता नहीं, समझ में आया बात है, यहाँ पर साफ साफ तत्व पाठ में कितना मजबू दस चौबीस दस छत्तीस बीच में और मर्जुना त्याग में खोलना त्याग में राष्ट्र दफन हो तो ऐसे लौनी का त्याग उनका त्याग होता है राग में लिखना छत्री दसें छत्री जब दर्शनं तत्वा श्रद्धानं तीर्थं शुद्ध दृष्टितं ज्ञान मूर्ति संपूर्ण स्वात्म दर्शनं चिंतनं देखो तत्वा श्रद्धा लिया भाई उमा स्वामी है तत्वा श्रद्धानं सम्यक दर्शनं उसम दिया है मूल वास है तत्वा श्रद्धानं सम्यक व्यवहार संकित नहीं हो नीचे समझ में आया तुझे थोड़ा व्यवहार लिखना चल पाया नीति एक अर्थ में बे न क्या भूल से सात तत्वों का व्यवहार नीति नहीं यथार्थों से करना ये बड़ी भूल से यहाँ भी क्या है कि जीवादी तत्वों का सुधार सुधार करना उसमें कोई विशेष नहीं ये व्यवहार समझी नीति समित सर्वात्मक दिन है बहन लिया है तो एक ही समझी की बात है समझ में आया उसमें अर्थ में भी भूल है वर्तमान चलते हैं लिख दिया दर्शनम कलिदिया याद करना तत्वा सिद्धानम जो है ना वो नीचे संकित है जवाब नहीं देखो तीर्थम शुद्ध दृष्टितम शब्द उमा स्वामी कहा तत्वा सिद्धान वो यहाँ कहते हैं उसका शब्द लेकर ही कहते हैं कि तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है तत्वार्थ में आत्मज्ञान आ जाता है समझ में आया तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक तत्वार्थ क्या साफ हम नौ पदा सेम साफ जी जी आश्रम मन समझ धर्मो गरीब पर्याय कैसी कैसी है और जीव कैसा सब यथार्थ एक रूप लिया है सात तत्व का नाम एक लिया है समझे तत्वा जीव अजीवाश्रम तत्व हम विधन में
आत्मा तुम एक वचन लिखो, एक वचन को भेद नहीं, आपका भेद श्रद्धा व्यवहार श्रद्धा है, नौ तत्व की भेद श्रद्धा व्यवहार है, ये बात यहाँ नहीं लेना है। कुमार स्वामी भी ये लिए नहीं नहीं लिया है, उसका शब्द न क्या है, दर्शनम तत्वार श्रद्धान, तत्वार का श्रद्धान करना संगत दर्शन है, या भवसागर से तरने का फिर जा जा देखो, जो व्यवहार संचित हो तो विकल्प है, तो पराश्रित व्यवहार है, व्यवहार भवसागर का तरने का उपाय है नहीं, व्यवहार पराश्रय निश्चय स्वाश्रय समाज सिद्धांत है दो। समझ में आया, नियम कहे कि तत्वार सिद्धांत व्यवहार है, तो यहाँ कहते हैं कि शुद्धम दर्शितम, उसे तो तीर्थ है, भव सागर तीरने का उपाय है, तो निर्विकल्प दृष्टि न हो तो भव सागर तीरने का उपाय हो सकते नहीं, व्यवहार संकित है तो विकल्प राग है। समझ में आया, निश्चय ने व्यवहार दो प्रकार का संकित नहीं, संकित एक है, संकित का कथन दो प्रकार का है, व्यवहार इतना निश्चय कथन दो प्रकार का है, संकित दो प्रकार का नहीं, संकित एक प्रकार का है। समझ में आया, कथनाए अपना सत्वार का भान ज्ञायत मूर्ति, राग का प्रतीक भान हो गया, स्वभाव में राग नहीं तो उसमें साथी तत्व का भान से आत्मा का भान होकर आ गया, तो उसमें जब न हो नौ तत्व भेद वाला देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, भगवान की वाणी की श्रद्धा, भगवान की श्रद्धा, ये सब विकल्प है, ये सब राग है, संकित नहीं, उसको निश्चय संकित की साथ ऐसा विकल्प देखकर व्यवहार संकेत का आरोप देने में आया है, व्यवहार संकेत यथार्थ संकेत नहीं, व्यवहार संकेत संसार करने का उपाय नहीं, ये मोक्ष का मार्ग नहीं, इतना याद करना, बहुत फिर हो गया, इतना फिर हो गया है, वक्ता को खबर नहीं तत्व की, श्रोता को तो कहा जय कैसे जय महाराज नर्सिंह जी, एक पुस्तक लेकर आए तो बनाओ तो बनाए दो सेठ क्या, तो लाओ भाई 5000 खर्च कर बनाए दे, भले अंदर देर बनाओ, जिसमें जैन दर्शन क्या क्या चीज है उसे विरुद्ध लिखाओ, तो वही सीखता है ऐसा एक पुस्तक है हमें बनाए चौथ खबर खबर है तुमको, उसमें विपरीतता की तुम्हें ना विपरीतता खबर नहीं क्या कहते क्या किया देखा ही, चलो भाई सब सही समझे बात, तुम्हारी हयाती में कहते हैं तुम दो बैठे आपने गुप्त बात तो है नहीं, देखो कारण स्वामी कैसे कहते हैं, चौथी बात कि सत्वार सद्धान दर्शनम, जो कोई व्यवहार उसको कहे तो तीर्थम शुद्धम दृष्टितम, शुद्ध दृष्टि ने तीर्थ करने वाला, मैं बोल लिया भाई शुद्ध दृष्टि, तब ये दृष्टि मैं शुद्ध दृष्टि है ऐसा कहा है, दर्शन जी थोड़ा भाई वो लंबाई सुनना पड़े क्या है, कारण स्वामी तो हितला अध्यात्म दृष्टि ने जिन जिनका ही पुकार होता है, उसकी बात कोई अंशा से एक अक्षर मिलती नहीं, समझ में आया, संप्रदाय वाला जो व्यवहार से नीचे, व्यवहार से नीचे उसकी साथ में मिलती नहीं, समझ में आया, आए कहते हैं दर्शनम तत्वार सद्दानम, यह भवसागर से तरने का तीर्थ, सिद्धो सुदर्शन भाई पंडित जी केवल तीर्थ शुद्धम दृष्टि तुम जुदो है निश्चय ही एम नहीं, यानी आज संबंध है ना मारू जी ने कहूँ
એમ કહું એમ કે દર્શનમ સત્વાર્થતાનો ધારા અને દર્શનમ શુદ્ધ દર્શિકમ નિશ્ચય એમ નથી, એમ બે ભાગ જ નથી. ઉસમાં સમજ માં આવ્યા? સમજને કી ચીજ હૈ કે દર્શનમ સત્વાર્થાનમ અને કોઈ ઉસમાં એસા નિકાલા કે દર્શનમ ચિત્ત શુદ્ધ મે નિશ્ચય એસા હૈ નહીં. દર્શનમ સત્વાર્થાનમ જૈસા ભગવાન સાથ કહા એસા આપણા આત્મજ્ઞાન મેં સાથી કા ભાન અંતર મેં પ્રતીક મેં આના અનુભવ મેં આત્મા આના ઉસકા નામ સત્વાર્થાને. સત્વાર્થાન માં આત્મજ્ઞાન આ જાતા હૈ, આત્મજ્ઞાન મેં તત્વા શ્રદ્ધાન આ જાતા હૈ, દુ એક બાત હૈ. કીર્તન અને ઓ ભવસાગર સે તરને કા તીર્થ જહાજ હૈ. વ્યવહાર સમજી વિકલ્પો તો હૈ પરાશ્રિત, વ્યવહાર પરાશ્રિત હો નિશ્ચય સ્વાશ્રિત હો તો મહાસિદ્ધાંત કાળતા હૈ. વ્યવહાર સમિત નવ તત્વ કા આ તત્વા શ્રદ્ધાંત ઉસે સિર્ફ સંસાર કા જહાજ હૈ કરને કા બિલકુલ નહીં. વ્યવહાર સંકિત બંધ કા કારણ હૈ, વિકલ્પ હૈ, વો બાત યહાં હૈ નહીં. સમજ મેં આયા? દેખો આ સાવકાચાર કી બાત ચલતી હૈ. દેખી આ સાવકાચાર પહેલા લીધા, પીછે વળી વિધાન સમૂહ થી સાર લીધા થા આપણે સારું પહેલી સાર મેં લીધા થી મગે નહી આયા આ લો મીઠા તો સબને હો સાર સાર રખા નહી સારા સબ પુસ્તક મેં સમજ મેં આયા? લાલ અક્ષર સે લીધા હૈ દેખો તમારી પાસે લાલ સૂત્ર રહેતી હોય ને લાલ રહેતી નથી. શુદ્ધ દ્રષ્ટિમય હૈ ભાઈ હમ જો કોણ ક્યા કે જો તત્વાર શ્રદ્ધાન આત્મજ્ઞાન પૂર્વક જો નવી તત્વ સાથી તત્વ કા અંદર ભાન હુઆ હૈ વો શુદ્ધ દ્રષ્ટિમય હૈ. વ્યવહાર સંકિત અશુદ્ધ હૈ, ઉપચાર હૈ, વ્યવહાર હૈ, નિમિત્ત હૈ, એ નહીં કી બાત યા નહીં. ઠીક હવે ઉતરે તો હૈ પણ એક વાર સુને તો સુનેગા ઓર ઇધર કંટ્રોલ કે ઉસમે ચલેગા કે એસા કહેતે હૈ એસા હૈ. મને આયા? જ્ઞાન મૂર્તિ જો ભાઈ વાત સુની હોય કે વાત જે લો આપ એક તત્વાર શ્રદ્ધાન નિશ્ચય સિદ્ધ કરને કો કિતના શબ્દ વાપ જાય કોઈ ઉસમાં સે વ્યવહાર નિકાલે તો વો સિદ્ધ નહીં હોતા. જ્ઞાન મૂર્તિ એક ચીલા જ્ઞાન સ્વસંવેદન જ્ઞાન, શાસ્ત્ર કા જ્ઞાન નહીં, શાસ્ત્ર કા જ્ઞાન વિકલ્પાત્મક. આ તો તત્વાર સ્વભાવ કી શ્રદ્ધા હોઈ અનુભવ પ્રતીક મેં આત્મા આયા સર્વ મેં કૈસા આયા તો જ્ઞાન મૂર્તિ સારા જ્ઞાન સ્વરૂપ મેં હું એસા વિઘન હો ગયા. જ્ઞાન કા સ્વસંવેદન હોના ઉસમે જ્ઞાન મૂર્તિ આયા. સંગત જ્ઞાન કા નિશ્ચય સંગ જ્ઞાન હૈ, વો સંકિત ભી નિશ્ચય હૈ, જ્ઞાન ભી નિશ્ચય હૈ. સમજ મેં આયા? એ લોકો કહેતા હૈ ને કોઈ વ્યવહાર સંકિત હૈ ત્યાં નિશ્ચય જ્ઞાન કહેતા હૈ તો જ્ઞાન એ વ્યવહાર ને આત્મ એ વ્યવહાર એસા કહેતા હૈ. અભી આયા હમારા બહાર નીકળ્યા પછી નહીં તો બધા પીડા થયા મને હલમ હલા કલમ ચલા થઈ ચલ. વિસર્જન જી બહુ ગડબડી ચલી હવે. પહેલે તત્વાર શ્રદ્ધા નો વ્યવહાર હૈ તો વ્યવહાર શ્રદ્ધા ને જ્ઞાન નિશ્ચય ક્યાં સે આયા? બાકી વ્યવહાર જ્ઞાન હૈ સાથ મેં આત્મ વ્યવહાર તીનો મોક્ષ કા મારા નિશ્ચય ઉસે પાયેગા એસા પત્રો મેં બહુ આતે હૈ સબ ઝૂઠ બાત. સમજ મેં આયા? ઓ સમર્થન જી આતે કે નહીં ક્યાં? પત્ર તો અમારી પાસે બહુ આતે નહીં. યહી શુદ્ધ દ્રષ્ટિમય હૈ ઓર યહી જ્ઞાન મૂર્તિ હૈ અપને સર્વ ગુણો સે પૂર્ણ હૈ. દેખો આનંદ ગુણ સી દ્રષ્ટિ મેં પૂર્ણ હૈ, પૂર્ણ પૂર્ણ એકલા શુદ્ધ આત્મા
माने अपने आत्मा का दर्शन देखो, स्वात्म दर्शनम चिंतन देखो, स्वात्म दर्शनम चिंतनम दो प्रकार में इसी बात सब में है। चारे पद में इतना नीचे संकेत की बात किया है, बस समझ में आया। बहुत गाता बना कम लोग भी भाषते उसमें भी गड़बड़ करते होगा, खबर नहीं आता तत्वा श्रद्धा क्या है। कल बैठे थे तो तुम्हारा है कांगली कांगली क्या तुम्हारा नाम कांगली क्या पर समझे नोट क्या करे। हमको ऐसा नहीं सुनता था, मैं सुना ही दूसरा सुनता था, दूसरा कौन है क्या सुना नहीं सब क्या सब गड़बड़ी गड़बड़ मेरा मैंने सुन ली सच्ची जानने की बात। हाँ भगवान तेरी चीज सत्य क्या है सत्य क्या सार समय कहने हैं उसकी समझन बिना ऊंधा अर्थ न उल्टा अर्थ निकाले बिना रहे ही नहीं। समझ में आया उसके बाद ना लिया तुम और अर्थ में अर्थ का अमर जैसा शास्त्र अर्थ कहते हैं हमें बाल ऐसा है ऐसा समझे बिना अर्थ का ये कया था उसने ये तो भी हुआ इसने कहा जाति दूसनो जाति अंधनो दूस नहीं आ रहा आंखें अंधा है तो बेचारा कुछ दिखते ही नहीं जाति अंधको दूस नहीं आ करो के जाने नहीं अर्थ पर मिथ्या दृष्टि ये थी आ करो करे अर्थ ना अमर रंजन जी फर्क बात हो नीचीला व्यवहार ना मानने वाले को बता हाँ पड़ते हैं हाँ ये वक्त विरोध हो गया विरोध हो गया अभी भी विरोध करते हैं सब तो समझते हैं नहीं क्या है इतना बोल लिया उसने जगह दर्शनम तत्वार सद्धानम ओई तत्वार सद्धान निश्चय सम्यक दर्शन चौथा गुण सामने ओई तीर्थ शुद्धम दर्शितम कोई शुद्ध सम्यक दर्शन शुद्ध ओई तिर भव सागर का उपाय करने का ओई ज्ञान मूर्ति गंभरम संपूर्ण ज्ञान का देखने वाला मानने वाला और स्वात्म दर्शनम चिंतनम अपने आत्मा का दर्शन और चिंतनम अनुभव। देखो एक गाथा में उमा स्वामी कहा था तो स्वात्म ज्ञान लोको आचार्य उसको व्यवहार समझ कहते हैं वो का अनुसार अर्थ में भूल हो गई बहुत समझ में आया ऐसा है क्या मुख्य मार्ग है तत्वार सूत्र से क्या बंद मार्ग है व्यवहार समझ तो आश्रय है विकल्प है ये तत्वार सूत्र व्यवहार मुख्य मार्ग है मोक्षा से है अर्थ में पहले से कही दिया है तत्वार से दंड या व्यवहार समझी आत्मा का ज्ञान नीति समझी एक है तो वही है ये तो तत्वार भेद वाला तत्वार सिद्धम हो तो व्यवहार है अभेद तत्वार सिद्धांत एक स्वरूप का भान करके आत्मा का साथ ज्ञान किया तो निश्चय समय दर्शन समझ में आया अपने सर्व गुणों से पूर्ण जैसा अपने आत्मा ऐसा आत्मा है अपने ही आत्मा का दर्शन ऐसा पूर्ण प्रभु उसका अनुभव किन्हों ने लिया कौन किया पहले से हम लिया तत्व समय दर्शन बहुत सागर उपाय लिया तो चित्रण लिया तो यही शुद्ध दृष्टिमय है ये ज्ञान मूर्ति है इस सर्वगुण से पूर्ण का अनुभव करते हैं आश्रम होती लिया दर्शन ज्ञान में सारी समझ में आया ज्ञान मूर्ति संपूर्ण स्वात्म दर्शन चिंतन अनुभव लिया आचरण लिया अंदर दर्शन का आचरण ज्ञान का आचरण इतना स्वरूप का आचरण चिंता हाँ उसका नाम मोक्ष का मार्ग और भव सागर तीरने का ओ तीर है बाकी बजा बाह का तो व्यवहार तिरफ शुभ भाव होता है तो जात्र आदि का भाव ओ वो खराब नहीं भव सागर से तीरने का कारण है
समझ आया, साधन साधन ही नहीं, वो तो धर्म जीव को पूर्ण भीतरात्मा हो तब ऐसा भगवान का प्रतिमा का वाणी का यात्रा का व्यक्ति भाव होता है, होता है ना वो भाव पाप से बचने को कुल भाव जितनी कीमत है उसकी कीमत कोई संबद्ध निद्रा में डाल दे बड़ी विपरीत है। समझ में आया दो सौ सत्रह।